नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट के तरफ से आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेकर, जो वीडियो पावर हाउस से के कंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैं बताया था कि अब इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा वो पावर हाउस के ड्रिलिंग पैटर्न से रिलेटेड होगा। तो आइए, ड्रिलिंग पैटर्न कैसे होगा, इसमें वेज का ड्रिलिंग पैटर्न करना है, दो तरह का होता है, एक टॉप से करते हैं और एक फ्रंट से करते हैं। तो फ्रंट से जो होगा, फ्रंट से जो ड्रिलिंग पैटर्न हम डेवलप करेंगे उसके बारे में डिटेल हम आपको दे रहे हैं। फर्ज कीजिए, जो हमारी पावर हाउस का साइज हमने जो एक दिया है वो 32 मीटर वाइड है, 44 मीटर हाइट है और 236 मीटर लेंथ है। ये पावर हाउस के बाहर चुका है, रूरल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के का पावर हाउस के बाहर है, जो कि भूटान में जिसका कंस्ट्रक्शन भूटान के चुका में हुआ है। ये प्रोजेक्ट 100% इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन इंजीनियरों के हेल्प से कंप्लीट हुआ था। तो आइए हम करते हैं, पहले इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बताया था ना कि पहले हम हेडिंग को क्लियर करते हैं। तो ये हेडिंग पोर्शन जो है 22 मीटर का है, इसमें से स्प्रिंग लेवल सम 44 मीटर का हाइट है, जिसमें से कि 22 मीटर ऊपर का पोर्शन SPLs के ऊपर का पोर्शन हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए हम एक्सपेक्ट कर दिए, इसको कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम उसके नीचे आना है, तो उसके नीचे जो जगह बचा वो हमको कितना बचा, 22 मीटर। 22 मीटर में हमने क्या किया, इसका चार बेंच अज्यूम किया है, 6 मीटर का 3 बेंच और 4 मीटर का एक बेंच। तो ऊपर से जो पहला बेंच है वो 6 मीटर का है, दूसरा बेंच, सेकेंड बेंच, फर्स्ट बेंच 6 मीटर, सेकेंड बेंच 6 मीटर, थर्ड बेंच 6 मीटर एंड फोर्थ बेंच 4 मीटर। 6 + 6 + 6 = 18 + 4 = 22 मीटर। अब हम इसको शुरू कहाँ से करेंगे, टॉप बेंच से, बेंच नंबर वन से। तो बेंच नंबर वन में का हाइट कितना है आपको, 6 मीटर, और हमने बटन कितना कैलकुलेट किया था, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर के लेंथ या 1 मीटर के लाइन में, ये 1 मीटर के लाइन में हम यहाँ पर ड्रिल करेंगे। यहाँ से लेके 12 होल होगा और इधर में 12 होल होगा, 24 होल आएगा, जिसमें सेंटर का जो पोर्शन होगा, सेंटर में हमें एक स्पेसिंग देंगे। एक स्पेसिंग होल का स्पेसिंग कितना है, 1.25। फर्ज कीजिए हम यहाँ एक होल करते हैं, तो इसके 1.25 के बाद दूसरा होल होगा, 1.25 के बाद तीसरा होल होगा, इसी तरह 1.25 के बाद चौथा होल होगा, जैसे पाँचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, आठवां होगा, नौवां होगा, दसवां होगा, 11 और 12 तक यहाँ हम चले आएंगे। इसके बाद यहाँ से लेके फिर इधर हम 12 करेंगे, तो यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस बचेगा 1.25, यानी एक स्पेसिंग, एक होल स्पेसिंग के बराबर यहाँ जगह बचेगा, जिसमें और कोई होल नहीं करना है। ये वेज के लिए, हम वेज के एज के ड्रिलिंग पैटर्न में वेज बनाने के लिए ये जगह छोड़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों, ये 1 मीटर पर 6 लाइन हमको होगा और 6 लाइन में हम 1.25 के स्पेसिंग पर ये होल ड्रिल करेंगे। तो अब रह गया कि 1 मीटर हम क्यों लिए हैं, ये इस लाइन का, ये यहाँ पर जो होल होगा लास्ट होल, इसका बर्डन ये होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ पर जो होल होगा उसका बर्डन यहाँ तक होगा, इसका जो होल होगा इसका बर्डन यहाँ तक होगा, इसके बाद जो होल करेंगे उसका बर्डन यहाँ होगा, उसके बाद जो करेंगे इसके बाद यहाँ होगा, और ऊपर तो ये फ्री है, ऊपर में कोई बात नहीं, हमारा होल लास्ट होल ही होगा। तो इस तरह से हमारे 6 लाइन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से कि हमारा एक मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ऊपर वाला एक जो होल, एक लाइन होगा उसमें होल नहीं होगा, हमारी 5 ही लाइन में होल करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का 1 मीटर तो हमारा ये खाली है, या ऐसे बटन है उड़ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने शो किया हूँ, बटन का हाइट कितना है, 1 मीटर बटन है, 1 मीटर बटन है, ये 1 मीटर बटन है, ये 1 मीटर बटन है,
एवंटर बटन है, एवंटर बटन है। अब रहा स्पेसिंग, तो स्पेसिंग दिस होल टू दिस होल टू दिस होल, दिस विल बी द स्पेसिंग। ये कितना होगा 1.25। दिस हैज ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, आप फार्मूला भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे इधर में आ जाएंगे 12 होल, इधर में 12 होल, टोटल 5 होलों में 24 होल। तो टोटल होल कितना हो जाएगा 24 × 5, आपको हो जाएगा 100 होल हो जाएगा, और उसके बाद से 120 होल टोटल होगा। अब ये होल का डायरेक्शन कैसा होगा ये हम दूसरे फिगर में बताएंगे। इसका होल ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसमें 3 ठो हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आ जाएगा। इस डायरेक्शन में, एंगुलर डायरेक्शन में इसका होल होगा। तो ये होल कर, ये पूरा होल करने के बाद इसका जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ ऑफ होल हम उसमें से 500 mm फ्रंट में कॉलर छोड़ देते हैं, जिसको कि पैकिंग करके, पैकिंग के एक्सप्लोसिव लोड करने के बाद पैकिंग करते हैं और तब ब्लास्ट लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का पोर्शन आप सब लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आइए अब आपको मैं समझा देता हूँ, हम टॉप से जो पहला लाइन है होल का, उसका हम लॉन्ग प्लान लिए हैं, उसका हम प्लान देख रहे हैं, प्लान से देख रहे हैं, यानी उसको हम हर लाइन का इसी तरह का प्लान होगा, हम प्लान में देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा, हमने फ्रंट से देखा था, जैसे क्रॉस सेक्शनल हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि टोटल होल हम लोगों ने 12 कैलकुलेट किया है। ये डिस्टेंस कितना है 16 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 16 मीटर, टोटल 32 मीटर। 32 मीटर में से हमारा जो स्पेसिंग है, होल टू होल स्पेसिंग कितना है 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर में से 1.25 मीटर इस सेंटर से हम 1.25 का जो हाफ कितना हो गया आपको 1.25 का 0.625 सेंटर से यहाँ ले गए, और यहाँ 0.625 सेंटर से यहाँ ले गए, और तब इस पोर्शन में कोई ड्रिलिंग नहीं है, यहाँ कोई ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग होगा लास्ट, ये ड्रिलिंग होगा लास्ट, इधर में सेंटर में कोई ड्रिलिंग नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इससे हम ड्रिलिंग करेंगे तो ये ड्रिलिंग का जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, ये जो ड्रिलिंग होगा इसका भी एंगल 60 डिग्री होगा। इस तरह से ये जो एक इक्विल दोनों जब होल आकर के यहाँ मीट करेंगे करेगा तो यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक कोई लेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री के साथ में बन जाएगा। यहाँ इसको डील नहीं करते, ऐसे ही बना जाता। फिर इसका नेक्स्ट जो होल होगा उसमें भी 60 डिग्री का एंगल दे करके और इसी तरह का ट्रायंगल बनाया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये जो लेंथ है ड्रिलिंग का ये बढ़ जाता है। अब इसमें जो लेंथ है ये आएगा आपको, इसका लेंथ आ रहा है, इसका लेंथ आ रहा है 1.25, यहाँ से और ये आ रहा है 1.25 का, ये रहा 1.25 का, चूँकि 1.25 है तो ये तीनों 1.25 होगा। लेकिन इसका जो एंगल है, इसका लेंथ है, ये लेंथ बढ़ जा रहा है यहाँ पर 1.25 प्लस आपको 1.25 प्लस यहाँ से यहाँ 1.25 प्लस 1.25 प्लस 1.25, तो इसका जो एंगल, इसका जो डिस्टेंस हो जाता है 1.875 सेंटर से इधर, यहाँ से यहाँ 1.875 और यहाँ से यहाँ 875, कितना हो गया 1.875 प्लस 1.875 3.125, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 3.125 हुआ। तो ये जो डिस्टेंस होगा हमें, ये जो ड्रिल का लेंथ होगा ये 3.125 होगा, नहीं 1.875 होगा, ठीक, हाँ 1.875 होगा। और फिर उसके बाद ये जुट जाएगा 1.25 और इधर
ये जुटेगा 1.25, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपको 3.125, 7 पॉइंट, इसका हो जाएगा 7.3.125, ये जो लेंथ आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 3.125, ये हो जाएगा 3.125, ये हो जाएगा 3.125, और यहाँ से यहाँ 3.125, और यहाँ से यहाँ 3.125। तो इस प्रकार ये थोड़ा कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। हम इसे फैशन में ड्रिलिंग करेंगे। अब इस होल को हम लोड करेंगे, इस होल को लोड करेंगे, इस होल को लोड करेंगे, इस होल को करेंगे, इस होल करेंगे, इस होल को करेंगे, और बाकी जितने भी होल हैं वो सबका हम लोड होल करेंगे। हमारे लेंथ कितना है 3.5, हम 3.5 का ड्रिल रड यूज करेंगे या 3.5 का ड्रिपर रड यूज करेंगे, उतना हमको करना है। इसमें फुल लेंथ हमको करना है। इसमें हमारा भैरी कर रहा है लेकिन उसमें करना है। तो अब क्या होगा कि जब हम ब्लास्ट लेंगे तो फर्स्ट ये हमारा वेज ये ब्लास्ट होकर बाहर निकल जाएगा। ये जैसे ब्लास्ट होकर बाहर निकलेगा यहाँ पर फ्री फेस बन जाएगा। यहाँ फ्री फेस बनेगा तो क्या होगा कि ये ट्रायंगल का जो वेज है वो निकलेगा। उसके बाद ये यहाँ फ्री फेस बनेगा तो ये ट्रायंगल का जो वेज है वो निकलेगा। इसके बाद से ये आगे जैसे कि ये बढ़ता जाएगा ये निकलते जाएंगे कट कट कर, उसमें से ब्लास्ट होने के बाद निकलता जाएगा। हाँ, ध्यान रहे सीरीज डिले सीरीज क्या होना चाहिए इसका। हो या तो हम वन डिले सीरीज लेते हैं तो इसका हम दो टू लेंगे, इसका वन लेंगे। ये तीनों का इसमें जो इस होल में जो सीरीज लगाएंगे वो वन का होगा, लेकिन इसमें हम लगाते हैं टू, इसमें लगाएंगे थ्री, क्योंकि ये ब्लास्ट होने के बाद ये ब्लास्ट होगा, जब ये ब्लास्ट होगा तब ये ब्लास्ट होगा। उसी तरह से ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव होगा, ये सिक्स होगा, ये सेवन होगा, अल्टरनेट ये यानी 20 सीरीज तक हम लोगों का ये पूरा इसमें डिले टाइम देना है, और उसके बाद से ब्लास्ट हो करके इतना पोर्शन का निकल जाएगा। 3.5 मीटर का हमने अज्यूम किया है, ड्रिलर यूज़ किया है, तो हमें 3 मीटर तक का पूल मिलना चाहिए। 3 मीटर का पूल 90% पूल मिलना चाहिए, ये एक थंब रूल है। तो ये रह गया दोस्तों वेज कट ड्रिलिंग पैटर्न का डिस्क्रिप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे करना है। अगर इसमें कुछ आप लोगों को डाउट आता है, कुछ आप नहीं समझ रहे हों, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पर अपना कमेंट दीजिए। मैं डेली अपने दोस्त हर वीडियो का कमेंट देखता हूँ, कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। उससे भी नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूँगा। अब इसके बाद जो वीडियो होगा ये तो पावर हाउस के एक्सिबिशन से रिलेटेड वीडियो है, और इसमें इसके बाद अब पावर हाउस में जितने दूसरे आइटम हैं वो वही आइटम है जो कि टनलिंग में लगते हैं, जैसे कि आपको सपोर्ट सिस्टम आइदर शॉर्ट किटिंग, रॉक बोल्टिंग, स्टील सपोर्ट, लेटेस्ट ग्रेविटी एक्सेट्रा, जो अभी लग रहा है सब वही आइटम है जो यहाँ पर यूज होगा। तो हम यहाँ पर और कोई दूसरा आइटम नहीं है जिसको कि हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। हाँ, रह गया एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम पावर हाउस में हमने लाइनिंग नहीं देखा है, और लाइनिंग का ज़रूरत पड़ता नहीं है। उसको 200 mm या 200 mm तक का शॉर्टकट करके, हाई परफॉर्मेंस शॉर्टकट करके उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी अब डिजाइनर के ऊपर, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है क्या उसको लाइनिंग कराता है कि नहीं कराता है। दैट आई कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट डिजाइन मैटर। अब इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा वो वीडियो टनलिंग बिलिंग किससे रिलेटेड होगा। सबसे पहले मैं आइटम वाइज आप लोगों को एनालिसिस दूंगा, जैसे एक्सप्रेशन का एनालिसिस है, उस तरह से और जो आइटम है जैसे कि स्टील सपोर्ट एरेक्शन है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट प्रोवाइडिंग है, जो भी है, रॉक बोल्टिंग है,
रॉक वॉल इंस्टॉलेशन है, ये सब आइटम का मैं आप लोगों को एनालिसिस करूँगा। लेकिन देखिए मुझे इसमें ये वीडियो में यही पर समाप्त करता हूँ, और आपसे अंतिम मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, ताकि हमारा मनोबल और ऊँचा हो, हम टनलिंग के क्षेत्र में मैक्सिमम वीडियो आप लोगों को दें, आप लोग देखिए। इसके साथ में एक बिल्डिंग डिवीजन से भी हम वीडियो दे रहे हैं, लो कॉस्ट बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को हम वीडियो दे रहे हैं। हो सकता है चूँकि आजकल देश अपने कंट्री में अपने देश में युवा तबके के लोग जिनकी इनकम कम है वो अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी के चलते नहीं बना पाते, इसलिए मैं लो कॉस्ट बिल्डिंग पर एक वीडियो भी देना शुरू किया हूँ। और हमारा प्रोग्राम है कि एक वीडियो टनलिंग की, उसके बाद एक वीडियो बिल्डिंग का दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें मुझे याद करें, मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। नमस्कार।